जब भी हम एक म्यूज़िक शो या सिंगिंग शो पे आते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि म्यूज़िक हमारे इंडस्ट्री का, फिल्मों का, हमारे मूवीज़ का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है, एंड हम ऐसे सोचेंगे विदाउट सॉन्ग्स वी आर नथिंग. सो वी रियली रियली इन्जॉय द एक्सपीरियंस, और यहाँ आके भी हमें बहुत ही वॉर्म्थ मिला, बहुत ही प्यार मिला. और शान सर, सलीम सर, बेनी, नीति, एवरीबडी वाज सो कूल, सो लविंग एंड सो एंथुसियास्टिक, सारे कंटेस्टेंट्स भी. सो बहुत मजा आया. एंड वरुण, आप क्या कहना चाहेंगे? बस आई थिंक सिमिलर एक्सपीरियंस, लाइक शी सेड द जजेस आर फैंटास्टिक. शान सर का तो मैं बहुत पहले से बचपन से फैन भी रह चुका हूँ, लिसन टू सो मेनी ऑफ हिज सॉन्ग्स. सो यहाँ के दे सैंग विद अस, हम लोग ने हमारी जो दिस मेरस डू तम्मा तम्मा भी किया इधर, और हम सफ़र गाना भी नीति के साथ मैंने किया. इनफैक्ट सरप्राइज जो था मेरे लिए स्पेशली, बिकॉज नीति सैंग समझावा विद आलिया, विच वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्शन. या उन्होंने नीति का दूल्हा हमने कर दिया यहाँ पे. थैंक यू. मेरा फेवरेट गाना, आई लाइक टू सॉन्ग्स अ लॉट. आई मीन बद्री की दुल्हनिया तो है ही बहुत अच्छा, बट हमसफ़र बहुत ही खूबसूरत मेलोडी है. एंड रुके ना ना जो अरिजीत सिंह ने गाया है, वो अभी आने वाला है नेक्स्ट, वो बहुत ही अच्छा गाना है. हार्ट ब्रेक गाना है फिल्म का, एंड दैट्स गोना कम सून. एंड फिल्म बहुत ही जल्दी आ रहा है. इट्स ऑलवेज वेरी इनकरेजिंग जब लोगों को गाने पसंद आते हैं. सलीम जो बहुत शर्मा रहे हैं. मैं और शर्मा रहा हूँ, पर आना नहीं चाहते. बट नो, बट बहुत मज़ा है यहाँ पे आके. एंड आई थिंक सीइंग द वे दैट दे मेंटोर ऑल द सिंगर्स ओवर हियर इज ब्यूटीफुल, ऑल ऑफ देम. अरे इन्होंने जैसे गाया वरुण और मैं, तो मतलब पता नहीं कौन से सातवें आसमान पहुंच गए थे, बिकॉज दे ब्यूटीफुल, जितना फील के साथ उन्होंने गाया, हम तो वो ही आई थिंक धुन में चले गए, एंड इट जस्ट चेंज द एटमॉस्फेयर कंप्लीटली. एक्चुअली गाने की बात चली तो आलिया ने भी, मतलब शी रियली सरप्राइज्ड थी. ओ शी डिड, यस शी डिड, शी डिड इन अ प्लेजेंट वे. वेरी वेल, सैंग इट वेरी वेल. यू नो हमेशा क्या होता है कि यू नो व्हेन यू गेट कॉन्शियस एंड ऑल दैट, तो कभी-कभार होता नहीं, बट पुट ऑन द स्पॉट शी वाज रियली, यू नो शी वाज कॉन्फिडेंट, नॉट कॉन्शियस, शी वाज कॉन्फिडेंट. हाउ स्वीट, आई थिंक शी वांट्स टू बी परफेक्ट. थैंक यू, दैट्स ट्रू. बट एक चीज़ जो हम लोग ने नोटिस की जो बहुत खूबसूरत थी, जब हम लोग इधर बात करते कि शान सर बपिदा के आवाज़ में तम्मा तम्मा, तो मैं दरख्वास्त करूँगा इनसे कि वो बपिदा के ये बात देखो, हमारा फेवरेट है और आलिया बहुत पसंद करता है, लेकिन सुपर हिट गाना है, हम जरूर गाएगा आपके लिए. तू प्रेमी आहा, प्रेमी आहा, फिर क्या डैडी क्या अम्मा, बस एक तू ही प्यार के काबिल, सारा जहां है निकम्मा. तम्मा तम्मा लोगे. लेकिन एक बात हम लोग ने ऑब्जर्व किया है कि ज़्यादातर जब हीरो हीरोइन आते हैं ना, अपने फिल्म को प्रमोट करते हैं, तो बहुत आपस में केमिस्ट्री दिखाते हैं, हो या ना हो. लेकिन यहाँ ये वरुण हर किसी दूसरी लड़की के साथ केमिस्ट्री ज्यादा दिखा रहा था. शान को बहुत खटक रहा है. अरे इट्स नॉट लाइकिंग इट, बट आई थिंक बिकॉज़ दे आर सच गुड फ्रेंड्स देमसेल्व्स, एंड यू नो बहुत ही खास वरुण और नीति जी ने, नीति जी वरुण और नीति ने हमसफर पे डांस किया, और आई थिंक हम सब हैरान हो गए, क्योंकि इनका जो केमिस्ट्री था और नीति का जो पॉइज था डांस करते समय, लॉट ऑफ ग्रेस, जो मुझ में नहीं है, तो आई थिंक वरुण के लिए एक नाइस रिफ्रेशिंग. बट आखिर में वो दुल्हनिया के पास पहुंच ही गया, दुल्हनिया की कमर में मुंह छुपाने के लिए. पता नहीं कहां हम शान सर और मैं अभी कंफ्यूज्ड है कि वो क्या था एंड में वरुण ने जो किया. वन स्टेप वो ऐसा था कुछ, ये कुछ अजीब ही है. मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैं आइंदा कभी नहीं करूंगा ऐसा, प्लीज. ओनली 10 डेज टू गो. हेलो, बालकनी में कौन है उधर? थैंक यू सो मच. Oh.